हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये फ्रॉग बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बनाई है 4 ईयर के लिए। बहुत इजी पैटर्न है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है, 3 mm का क्रोशिया लिया है, और जो यार्न है वो गंगा कडली की 4-ply यार्न है। तो और साइजेस के लिए आपको स्टार्टिंग चैन क्या लेनी है, इसकी डिटेल मैंने एक फ्रॉक बनाई हुई है, उसकी डिटेल में उसमें मैंने सब बताया हुआ है। तो उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके कोई और साइज़ बनाना हो तो चेक कर लीजिएगा कि आपको स्टार्टिंग चैन कितनी लंबी लेनी है और कितनी मल्टीपल लेनी है। ये तो मैं जो इसमें बताऊँगी वही लेनी है, लंबाई कितनी होनी चाहिए। और नहीं तो अगर बच्चा घर में है तो आप उसके नाप से बना लीजिए गले की चैन, ठीक है। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो में ही सारी बातें क्लियर कर दूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ मुझे शेयर कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ 68 चैंस, ठीक है। ये गंगा कडली की 4-ply यार्न है, तो 68 चैंस बनाएंगे। तो ये जो होंगी वो 14 इंचेस के बराबर होंगी, ठीक है। तो अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं, कोई और क्रोशिया लिया है, कोई और यार्न ली है, धागे से बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 के मल्टीपल चैन लेनी है और वो होनी चाहिए 14 इंचेस के बराबर। तो थोड़ा सा अगर आप जैसे 4 के मल्टीपल चैन नेसेसरी हैं, अगर आपका इंचेस में थोड़ा कम हो जाता है या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चैंस जो होनी चाहिए वो 4 के मल्टीपल होनी चाहिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ 4 के मल्टीपल प्लस 2 चैन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पे 68, तो 4 के मल्टीपल हो जाएंगे, उसके बाद 2 और प्लस करेंगे तो 70 चैन बनेंगी टोटल। तो यहाँ मैं 70 चैन बना रही हूँ, तो पहले मैं बना लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 70 चैन बना ली। अब क्या करना है, 1, 2, 3, तो 68 4 के मल्टीपल प्लस 2 चैन बनाई हैं, और यहाँ पे हमने 3 चैन छोड़ी, और जो फोर्थ वाला है यहाँ से हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो स्टार्टिंग चैन 3 है फर्स्ट वाली रो में, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, आपको ध्यान रखना है। काउंटिंग का आप बहुत ध्यान रखेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने काउंटिंग यहाँ पे आपकी कुछ गलती हो गई, आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि आपको सब कुछ सही है, लेकिन आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बार बार काउंटिंग करिए और आपका काउंट होने चाहिए, जैसे मैं आपको आगे बताऊँगी। आप थोड़ा बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने बनाने हैं। तो आप काउंटिंग हर बार हर रो में, फर्स्ट सेकेंड जो स्टार्टिंग रो होती है उसमें अगर आपकी चैन की गलती नहीं तो फिर आगे तो सही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो रो है उसमें आप बहुत अच्छे से चैन की काउंटिंग करके बनाइए। तो ये जो फर्स्ट रो है इसमें हर एक चैन में 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हमने चैन काउंट की, फिर हमें लगा कि हाँ ठीक है, लेकिन आप जब ये बना के चुकेंगे, ये वाली रो बनाएंगे, तो आप एक बार फिर स्टिचेस काउंट करेंगे कि 68 स्टिचेस होने चाहिए। हमने 70 चैन ली, 3 स्किप की, और उसके बाद हमने हर एक चैन में 1-1 डबल क्रोशिया बनाया, तो टोटल हमारे पास 68 ही स्टिचेस होने चाहिए चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पहले बना के आ जाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये फर्स्ट रो बना ली है, यहाँ पे आपके 68 स्टिच होने चाहिए। जहाँ जहाँ काउंट करना है वो मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, चैन 1 बनाएंगे। तो चैन 1 जो है अब हमारा स्टिच नहीं है, ठीक है, इस तरफ पलटेंगे और जस्ट फर्स्ट वाले स्टिच में ही 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें बनाना है, फिर नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे। तो आपको सीक्वेंस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपने एक में 1 बनाए हो, एक में 2 बनाए हो, लेकिन अगर आपने देखिए यहाँ पे कहीं 2 में एक साथ एक एक बना दिया या 2 में एक साथ 2-2 बना दिए, तो फिर आपका पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक में आपने एक बनाया, दूसरे में 2 बनाने हैं,
ठीक है। तो इसी तरीके से इसको मैं लास्ट तक बना लूँगी। और फ्रेंड्स आप मुझे मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, किया कीजिए, शेयर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपको और अच्छे से सिखाऊँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए सेकंड रो बना के हम यहाँ लास्ट में आ गए। लास्ट के दो स्टिच बचे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए, ये चैन थ्री और ये वन लास्ट वाला स्टिच। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा टू आया। देखिए ये जो लास्ट वाला स्टिच है उस पर वन डबल क्रोशिया आएगा, चैन थ्री जो है टू डबल क्रोशिया आएंगी, चैन थ्री है ना। देखिए आपको ये स्टिच नहीं दिखेगा, आप चैन थ्री को हमेशा मार्क कर लीजिए फर्स्ट वाले को। अब ये जो थर्ड वाली चैन है इसमें टू डबल क्रोशिया आएंगे। हमने स्टार्ट की थी रो वन डबल क्रोशिया से, तो लास्ट वाला जो होगा वो टू डबल क्रोशिया वाला होगा। तो अगर आपका इस तरीके से आ रहा है तो आपने स्टिच सही लिए हैं। अगर आपका एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपके स्टिच गलत हैं, आप स्टिच यहीं पे भी काउंट कीजिए, ठीक है। तो आपके कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो लास्ट वाला जो चैन थ्री है इसमें हमारे टू डबल क्रोशिया आएंगे, आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए ये स्टिच, अब चैन थ्री नहीं दिखता है, इसको मार्क करके रखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। चैन वन हमारा स्टिच नहीं है। अब देखिए इसमें हमारा टू डबल क्रोशिया आए थे, तो क्या करेंगे, चैन वन हमने बनाया और देखिए ये जो टू डबल क्रोशिया बनाए हैं इन दोनों के बीच में वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, ये दो स्टिच के बीच में। अब ये जो हमने वन डबल क्रोशिया बनाया था, देखिए आपको अलग से दिख रहा है, ये वन डबल क्रोशिया वन और ये टू के सेट हैं और ये वन डबल क्रोशिया है। तो ये जो वन डबल क्रोशिया है इसको हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट। आपने ये देखिए इस तरीके से क्रोशिया को डाला और इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट वाले जो टू डबल क्रोशिया हैं इन दोनों के बीच में बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वापस से इनके बीच में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए ये जो बीच वाला स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस रो को पूरा बना लेंगे, ठीक है। मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए थर्ड वाली रो भी, वन टू थ्री, थर्ड वाली रो लास्ट तक बना ली। अब देखिए यहाँ पे क्या बनाया था हमने, चैन वन बनाई थी और फिर फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था। तो जो लास्ट वाला स्टिच है हमने स्टार्ट किया था टू वन डबल क्रोशिया, चैन वन, वन डबल क्रोशिया थे। तो लास्ट जो स्टिच होना चाहिए हमारा वन डबल क्रोशिया होना चाहिए। तो ये लास्ट वाले में हम फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे, लास्ट वाले को नॉर्मली ही बना देंगे, ठीक है। ये चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया था, इन दोनों के बीच में इस स्टिच को ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए चैन वन स्टिच नहीं है, इसमें ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाना है फर्स्ट वाले में। अब देखिए ये तो हमारी फ्रंट साइड है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये हमारी फ्रंट साइड है। देखिए ये फिनिशिंग आपको दिख रही है। अब ये है हमारी बैक साइड, तो जब भी बैक साइड से काम करेंगे, देखिए ये बता देती हूँ आपको, ये जो चैन वन और फर्स्ट डबल वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया है, तो इसमें तो हमें बनाना है चैन वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया ही बनाना है। अब देखिए ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाए थे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, उल्टी तरफ से हम इनको बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये उस तरफ फ्रंट में ही आएंगे और फ्रंट में जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा। अगर आपने इसको यहाँ से फ्रंट पोस्ट बना दिया तो जो फ्रंट वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए। तो यहाँ से जो बैक साइड है यहाँ से हम इस फ्रंट पोस्ट स्टिच को बैक पोस्ट बना देंगे, तो ये आगे की तरफ फ्रंट पोस्ट ही आएगा। जो चैन वन वन डबल क्रोशिया, चैन वन वन डबल क्रोशिया में हम वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया ही बनाना है, ठीक है। और ये जो फ्रंट बैक पोस्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ से, तो बैक पोस्ट ही दिख रहे हैं, तो उनको बैक पोस्ट बना दीजिए। उस तरफ से फ्रंट पोस्ट है, ये इस तरफ से बैक पोस्ट है। इसी तरीके से इस रो को मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए फोर्थ रो के लास्ट में आ गए हैं। तो ये हमारा वन डबल क्रोशिया, चैन वन, वन डबल क्रोशिया वाला सेट है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, ये हमने बैक पोस्ट बना दिया, इसमें जो चैन वन का स्पेस है इसमें हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और देखिए लास्ट वाला जो स्टिच है तो वो चैन वन और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था हमने इसके बीच में बनाना है, ठीक है। नहीं तो ये वाला स्टिच अलग से, देखिए आपने इसको ऐसे बना दिया, ये वाला अलग से रह जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगा।
तो हमने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला स्टिच है वो इसमें वन डबल क्रोशिया चैन वन डबल क्रोशिया सॉरी वन जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था इन दोनों के बीच में बनाना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका ये चैन वन और वन डबल क्रोशिया वाला सेट है, ये फ्रंट पोस्ट है और ये चैन वन डबल क्रोशिया चैन वन डबल क्रोशिया वाला सेट हर बार आपको याद रखना है। थोड़ी देर बाद फिर हम इसको जोड़ देंगे, फिर आपको कुछ ज़्यादा अंतर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिंपल बनेगा। चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और देखिए अब यहाँ पे हम बनाएंगे ये जो चैन वन के स्पेस में बनाएंगे वन डबल क्रोशिया चैन वन और वन डबल क्रोशिया। लेकिन जब आप आओगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक स्टिच तो इसमें बनाना है, एक या दो जितने भी हम बनाएंगे, और लास्ट वाला जो स्टिच है इसमें बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो ये रो भी हमें सेम वैसे ही बनानी है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया चैन वन डबल क्रोशिया बनाना है और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो जब भी हम पीछे की तरफ से काम करेंगे तो ये हमारे जो फ्रंट पोस्ट होंगे वो बैक पोस्ट बनेंगे, ठीक है। तो मैं इस रो को भी लास्ट तक बना लेती हूँ। अब देखिए फिफ्थ वाली रो के लास्ट में आ गए, तो लास्ट वाला जो स्टिच है हमारा वन डबल क्रोशिया है, तो यहाँ चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इन दोनों के बीच में लास्ट वाला डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। अब यह है रो सिक्स, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन हमारा स्टिच नहीं है। तो चैन वन हमने इसलिए बनाया है जिससे हमें स्टिच आराम से दिख जाए और इन दोनों के बीच में लास्ट वाला स्टिच बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ये जो चैन वन का स्पेस है यहाँ पे हम बनाएंगे टू डबल क्रोशिया वन टू, चैन वन बनाएंगे और टू डबल क्रोशिया और बनाएंगे वन टू। अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट उस तरफ से है, बैक पोस्ट इस तरफ से है, तो हमें बैक पोस्ट बनाना है, ये फ्रंट चैन वन के स्पेस में टू डबल क्रोशिया चैन वन टू डबल क्रोशिया बनाना है और जो बीच का स्टिच है उसको बैक पोस्ट बनाना है। सिक्स वाली रो है उल्टी तरफ से बना रहे हैं हम, इसलिए बैक पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए सिक्स वाली रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये देखिए ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें हम बनाएंगे टू डबल क्रोशिया वन टू, चैन वन बनाएंगे और वन डबल क्रोशिया और इसमें बनाएंगे और जो लास्ट वाला स्टिच होगा वो चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब बनाएंगे सेवन्थ वाली रो, चैन वन बनाएंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाँ सेवन्थ वाली रो है, चैन वन बनाएंगे और पलट जाएंगे फर्स्ट वाले, ये देखिए अब फर्स्ट वाले स्टिच में नहीं है, चैन वन के स्पेस में टू डबल क्रोशिया चैन वन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू, चैन वन बनाएंगे और टू डबल क्रोशिया और बनाएंगे, अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे और जो चैन वन का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिया चैन वन टू डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को मैं पूरा कर लेती हूँ, इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे और आपको थोड़ा काउंटिंग भी करनी है। मैं आपको पहले ये बना लेती हूँ फिर आपको बताऊँगी कि आपको क्या काउंट करना है और ध्यान क्या रखना है जोड़ने से पहले, ठीक है। तो इस रो को मैं पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए सेवन्थ वाली रो के लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर देखिए ये टू डबल क्रोशिया चैन वन टू डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे लास्ट वाले वन टू, चैन वन बनाएंगे और टू डबल क्रोशिया और बनाएंगे वन टू। अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाला जो स्टिच है इसमें हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे अभी, ठीक है। चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें एक वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, ये वाला जो हिस्सा है इससे देखिए, अब देखिए सी ये फर्स्ट चैन और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हमारा सेट बन गया, ये वन डबल क्रोशिया, ये देखिए ये वन डबल क्रोशिया आया है और यहाँ पे
टू डबल क्रोशी चैन वन टू डबल क्रोशी का सेट है। अब देखिए दो स्लिप स्टिच बनाएंगे, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वाला जो चैन वन का स्पेस होगा वहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब जब भी आगे की जो रो बनेंगी, अभी कुछ रो बनेंगी, फिर आगे कुछ चेंजेस करना होगा तो मैं बता दूंगी आपको। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब आप जोड़ो उससे पहले आप ध्यान रख लीजिए, काउंट कर लीजिए कि ये जो स्पेस है वो आपके इवन नंबर में होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए। अगर ऑड हुए आप स्टार्टिंग में कहीं गलती कर दी इसलिए ऑड हो गए, कि फोर के मल्टीपल लेंगे आपके तो इवन नंबर ही होंगे, तो आप इनको काउंट कर लीजिए। यहाँ पर ये 34 है, ये देखिए ये वाले काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरीके से, ये बीच की जो स्पेस है वो 34 है। तो आप यहीं पे जब भी जोड़ें उससे पहले काउंट कर लीजिए, जिससे आपके आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। अब यहाँ पे दो स्लिप स्टिच ये चैन वन के स्पेस में, ये हमने 1 2 और ये 3 स्लिप स्टिच बने, ठीक है। ये अभी आपको थोड़ा सा ऐसे हो रहा है लेकिन बराबर में है ये, देखिए यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा हुक बना देंगे इसमें जोड़ने के लिए। अभी देखिए चैन वन का जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, ये पहले चैन वन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया, चैन वन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चैन वन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 जो ये फ्रंट पोस्ट है। अब हमारे बैक पोस्ट नहीं आएंगे, अब हर बार फ्रंट पोस्ट ही आएंगे क्योंकि हम राउंड राउंड बनाएंगे। तो ये यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो ये वाली जो रो है अभी एक बार हम ये वाली और रिपीट करेंगे फिर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया चैन वन 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, बना के लास्ट में आ जाते हैं। तो देखिए एट्थ वाली रो के लास्ट में आ गए हैं। देखिए हमने ये लास्ट वाला 2 डबल क्रोशिया चैन वन 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए ये वाला जो स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये जो चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया इन दोनों के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब दो स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 चैन वन में आना है हमें, हर बार चैन वन से ही शुरू करना है। तो अब देखिए ये जो रो बना रहे हैं ये वाली रो और इससे नेक्स्ट वाली रो सेम बनेगी, चैन वन बनाएंगे। अब 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 चैन वन बनाएंगे और इसमें ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 फिर देखिए ये फ्रंट पोस्ट बनेगा और जब आएंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वाली आएंगे तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे चैन वन के चैन वन से स्टार्ट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया चैन वन 3 डबल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। ये वाली और इससे नेक्स्ट रो 10th, ये 9th है और 10th वाली रो सेम बनेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 11 रो बनाई हैं, ये 3 जो डबल क्रोशिया चैन वन 3 डबल क्रोशिया की 3 रो बनाई हैं, ये 11 रो गई, ठीक है। अब बनाएंगे 12th वाली रो। तो यहीं पे हम आर्म होल और बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच बनाएंगे और चैन वन के स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है। चैन वन बनाएंगे और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया चैन वन 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन वन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4 फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और देखिए इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ से हम ये 1 2 3 4 बना लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, 4 बना लेंगे ये वाले, फिर यहाँ पे हम आर्म और बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 1 2 3 4 बना लेंगे। अब ये जो 5th वाला है ये फ्रंट पोस्ट को हमने फर्स्ट फ्रंट पोस्ट बनाया है, अब जो 5th वाला है इसमें देखिए हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3
फोर, चैन वन बनाएंगे। और देखिए यहाँ से ये तो नाइन, ये फिफ्थ वाला है, यहाँ से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन हमने छोड़े, ठीक है। और ये एट्थ वाला है, एट्थ वाले के जो चैन वन का स्पेस है इसमें हम फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे, वन टू थ्री फोर। देखिए इस तरीके से, अब यहाँ से ये हमें एट बनाना है, ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट जो पैटर्न है ये वाले इनको बना लेंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हाफ बैक हमने यहाँ से बनाया, हाफ बैक यहाँ से आएंगे जब बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं एट्थ जो ये पैटर्न है इनको बना लेती हूँ। तो देखिए ये एट्थ हमने बैक के बना लिए हैं, ठीक है। नाइन्थ ये देखिए, इसमें हमने ये ज्वाइन किया था, फिर इसके बाद ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बना लिए हैं। अब ये जो नाइन्थ वाला है इसमें बनाएंगे फोर डबल क्रोशिए, वन टू थ्री फोर, चैन वन बनाएंगे। और यहाँ से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, सेवन ये सेट हमने छोड़े। और जो एट्थ वाला है ये हमने चैन वन बना ली थी, फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे। एट्थ वाला, एट्थ वाला जो है उसके चैन वन के स्पेस में फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे, वन टू थ्री फोर। अब ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये बचे हुए हैं, ये हमारे पास यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर बचे हैं, तो इनको भी बना लेंगे और यहाँ आ जाएंगे लास्ट में। अब देखिए थर्टीन वाली रो बनाएंगे, यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया। अब देखिए थोड़ी जो रो है हमें ऐसे ही बनानी है, फोर डबल क्रोशिए चैन वन फोर डबल क्रोशिए की, ठीक है। फिर आगे जाके थोड़ा सा चेंजेस करने हैं तो मैं बताऊंगी आपको, पहले ये वाली रो बता देती हूँ किस तरीके से बनेगी। चैन वन बनाएंगे और यहाँ पे फोर डबल क्रोशिए चैन वन फोर डबल क्रोशिए बनाएंगे, चैन वन और फोर डबल क्रोशिए बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। देखिए यहाँ तक ये आर्म होल तक मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूंगी। और फिर हमें राउंड राउंड बनानी है, कुछ रो हमें ऐसे ही बनानी है, तो मैं ये यहाँ से बना के आर्म होल पे आ जाती हूँ। तो ये देखिए ये हमने बना लिया, अब ये आर्म होल है। तो ये देखिए यहाँ पे आर्म होल में यहाँ पे भी हम फोर डबल क्रोशिए चैन वन फोर डबल क्रोशिए बनाएंगे, दोनों आर्म होल में सेम इसी तरीके से बनाना है, टू थ्री फोर चैन वन और फोर डबल क्रोशिए बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। फिर देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से राउंड में बना के मैं वापस आ जाती हूँ, ठीक है, इस रो को पूरा बना के वापस आ जाती हूँ। तो देखिए ये थर्टीन वाली रो पूरी कर ली है, अब देखिए फिफ्टीन वाली बनाएंगे। तो अब फिफ्टीन वाली जो होगी वो इस तरीके से नहीं बनेगी, थोड़ा सा चेंजेस करने हैं हमें। अब देखिए कि यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच अटैच किया, अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पे स्लिप स्टिच किया, नेक्स्ट वाले स्टिच में आ जाएंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। ये जो थ्री स्टिच हैं इन पे वन वन डबल क्रोशिया बनाया, और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, चैन वन
और वन डबल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ से नेक्स्ट थ्री स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट वाला हमने यहाँ छोड़ा है और लास्ट वाला यहाँ छोड़ेंगे। वन टू थ्री। अब देखिए ये लास्ट वाला स्टिच को छोड़ देंगे और ये फ्रंट पोस्ट जो स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर देखिए ये फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे और सेकंड वाले से नेक्स्ट थ्री में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री। अब जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और एक वन डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए ये जो यहीं से वन टू थ्री स्टिच हैं इन पर वन वन डबल क्रोशिया बना देंगे और लास्ट वाले स्टिच को ऐसे ही छोड़ देंगे, उसमें कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। थ्री, जो लास्ट वाला स्टिच है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले ये देखिए इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट रो किस तरीके से बनानी है ये बता दूँगी, फिर वही रो हम एंड तक बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो लास्ट में बना के आए हैं, लास्ट वाला स्टिच है फ्रंट पोस्ट, इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे और ये जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट डबल क्रोशिया था इन दोनों के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। आप चाहें तो देखिए वन डबल क्रोशिया के ऊपर भी अटैच कर सकते हैं। अब देखिए ये जो रो मैं बना रही हूँ इसको ही लास्ट तक बनाएंगे। ये नेक्स्ट वाले स्टिच में देखिए यहाँ पे स्किप करके नेक्स्ट वाले स्टिच में आ जाएंगे स्लिप स्टिच से, चैन वन बनाएंगे। सेम इसी तरीके से है, एक बार बस मैं आपको बता रही हूँ। वन डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट में, सेकंड वाले स्टिच में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले स्टिच में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर देखिए यहाँ ये जो नेक्स्ट थ्री हैं वन टू थ्री इनमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। फिर यहाँ से फर्स्ट छोड़ेंगे सेकंड वाले में बनाएंगे। तो इसी इस तरीके से ही पूरा हम ये जो आगे की जितनी भी रो हैं आपको जितनी लंबाई रखनी है आप यही वाली रो बनाएंगे 15 वाली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 35 रो बनाई हैं टोटल, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 20 इंचेस हो रही है। तो अगर आपको थोड़ी लेंथ और बढ़ानी है तो आप उसी रो को और रिपीट कर लीजिए। अब देखिए पीछे का हम ये बनाएंगे हुक के लिए। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जिस तरफ आपको बटन लगाना, एक तरफ तो बटन लगेगा, एक तरफ देखिए हम लूप बनाएंगे। यहाँ से हम ये धागे को अटैच करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लेंगे जिससे ये जो एक्स्ट्रा धागा है वो छुप जाए, नहीं तो छोटा लिया तो आपने वो छुपेगा नहीं। देखिए थोड़ा सा बड़ा लिया हमने। अब जितना बड़ा लूप बनाना है सबसे चैंस बना लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। और देखिए यहीं पे इसको स्लिप स्टिच से सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए सिंगल स्टिच से इसको यहाँ अटैच कर देंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है आप इसको इसके साथ लेके चल सकते हैं। ये फिर सुई में डाल के और स्टिचेस में डाल दीजिए और एक्स्ट्रा जो हो काट दीजिए। यहाँ पे एक सिंगल स्टिच, यहाँ यहाँ
एक देखिए ये बिल्कुल जस्ट बीच में, और फिर इस तरफ बनाना है, इस तरफ आ जाएंगे। लास्ट तक बना लेंगे, मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो देखिए ये जो हमने बना लिया, और इसको इसमें से धागे को निकाल देंगे और इसको सुई में डाल के और स्टिचेस में डाल दीजिए। अब देखिए पीछे की तरफ से ये इस तरीके से ये आएगा, यहाँ पे बटन लगा देंगे एक, और इस तरीके से ये आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके की थोड़ा सा ओपन रहेगा, और सिंगल स्टिच बनाने से एक फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ, फिनिशिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बन के कैसी लग रही है। तो देखिए इसमें मैंने फिनिशिंग कर ली है, और ये जो इसकी लंबाई है वो 19.5 इंचेस हो रही होगी। वैसे नी लेंथ 22 इंचेस तक होती है 4 ईयर के लिए, यहाँ मैंने कम लिया। आप चाहें तो और बना सकते हैं। और ये जो इसमें रो बनाई है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 35 रोज बनाई हैं, और इसमें जो यार्न यूज़ हुई है वो 200 ग्राम यार्न यूज़ हुई है। अगर आप थोड़ी और लंबाई करते हैं तो हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये 200 ग्राम आपको हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।